बहुत टाइट कर रखा है क्योंकि मैं एक प्लेट गिरा चुका। इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली और गुड़गांव तो होम डेकोर के लिए सबसे पहली जगह जो माइंड में आती है वो है बंजारा मार्केट। ऑल्दो बंजाराज आर फ्रॉम राजस्थान जो कि पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, बट फिर भी गुड़गांव के बंजारा मार्केट में जाना तो बनता ही था। फॉर समवन हु इज़ फ्रॉम राजस्थान, बंजाराज वर नॉट समथिंग डिफरेंट। मतलब उनका सामान जो वो बेच रहे थे या फिर उनका ड्रेसअप, ये सब पहले भी हमने राजस्थान में देखा हुआ है। इवन राजस्थान में हर जगह आपको कहीं ना कहीं बंजाराज और उनका सामान मिल जाएगा, पर फिर भी गुड़गांव का बंजारा मार्केट इज़ डिफरेंट क्योंकि वहाँ सब चीज़ें एक ही जगह पर मिलती है। देर आर फ्यू थिंग्स दैट आई थिंक एवरी वन शुड रिमेंबर बिफोर गोइंग टू बंजारा मार्केट विच आई विल बी टेलिंग यू इन बिटवीन। ऑल्सो बहुत सारी न्यूज़ आई थी कि बंजारा मार्केट शिफ्ट हो गया है, डिमोलिश हो गया है। सो हुआ ये कि बंजारा मार्केट जो सेक्टर 56 में हुआ करता था वो अब भी वहाँ है, बट उसका बहुत बहुत सारा पार्ट डिमोलिश हो चुका है एंड जो बहुत सारी शॉप्स होती थी वो अब अलग अलग जगह पे, गुड़गांव के अलग अलग जगह पे जाके बस गए हैं। तो अब सिर्फ एक बंजारा मार्केट नहीं है, बहुत सारे बंजारा मार्केट हो गए हैं। यही वजह है कि यहाँ पे हमें वो पहले वाला सामान जो मुझे वीडियोस में दिखता था वो नहीं दिखाता। आई विल डेफिनेटली गो टू अदर बंजारा मार्केट सुपर सून। ये सेक्टर 56 वाला बंजारा मार्केट है। इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम अ कैब और अगर आप पहले कभी गए नहीं हो तो मेक श्योर कि आप लोकेशन बहुत अच्छे से डालो, बिकॉज हमें पता नहीं था बंजारा मार्केट किस तरफ है और हम लोगों ने कैब की थी और उस कैब ने हमें बहुत दूर उतारा था। वहाँ उन भैया को भी नहीं पता था कि बंजारा मार्केट किस तरफ है, तो हमने लोगों से पूछ पूछ कर यहाँ पे पहुँचे। ऑल्दो ये मेन रोड पर ही है बट गूगल मैप्स की लोकेशन पे ट्रस्ट मत करना। इफ़ यू आर गोइंग टू बाय सम स्टफ़ फ्रॉम बंजारा मार्केट तो मेक श्योर करना कि आप लोग बड़े बैग्स लेकर जाओ बिकॉज सामान हैवी होता है और यू नो बंजारा मार्केट इज़ वेरी बिग, तो आप लोग एक जगह से दूसरे जगह पर उस सामान को कैरी करना इज़ नॉट ईजी। तो मेक श्योर आप बैग्स लेकर जाओ और अगर आप लोगों को फर्नीचर या कुछ ऐसी चीज़ें खरीदनी है तो आप लोग उसको ठीक से प्लान करना बिकॉज आप कैब वगैरह में वो सब लेके नहीं आ सकते, तो मेक श्योर ये सब चीज़ें सोच कर जाओ। अ लॉट ऑफ पीपल से कि बंजारा मार्केट बहुत सस्ता है बट मुझे ऐसा नहीं लगा। फ्रैंकली हमारे आसपास जितने भी बंजाराज ऐसे बैठे होते हैं रोड साइड पे या फिर उनकी जो शॉप्स होती हैं रोड साइड पे, नॉट इन दिल्ली बट बाकी हर इवन राजस्थान में मेनली बहुत सारे जगह पे ऐसे लोग बंजाराज होते हैं और उनका जो प्राइस होता है उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता इतना, इवन आप उन लोगों से भी बार्गेन कर सकते हो। मुझे यहाँ का सामान कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा लगा नॉर्मल शॉप से। इवन जो फर्नीचर है वो आसपास जो हमारे लोकल फर्नीचर शॉप्स होती हैं वहाँ पे भी कम प्राइस पे मिल जाता है, मुझे ऐसा लगा। आई डोंट नो अबाउट यू ऑल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सस्ती थी बट द की इज़ बार्गेन। आपको बार्गेन करना आना चाहिए तभी आप अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ें खरीद सकते हो, बिकॉज ये लोग प्राइस बहुत ज़्यादा लगाते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी जो बहुत पहले की थी, तब के और अब के प्राइजेस में जो ये लोग कोट करते हैं उसमें बहुत डिफरेंस था। मे बी ड्यू टू डिमोलिश जो हुआ है उसकी वजह से ऐसा हो गया है। मुझे मेनली बंजारा से शीशा लेना था और कुछ फर्नीचर का सामान लेना था, वो तो मुझे मिला नहीं, बट मैंने फिर कुछ सिरेमिक का ही सामान लिया और एक रग ली जो कि मुझे सिर्फ 200 की पड़ी। ऑल्सो बार्गेन करते टाइम कुछ लोग बहुत गुस्सा हो गए थे वहाँ के शॉपकीपर्स कि इतना कम प्राइस होता ही नहीं है, आपको पहले कभी किसने दे दिया, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे छोटे छोटे।
इफ़ यू थिंक कि 3,000 to 5,000 rupees आर ओके फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो आप लोग डेफिनेटली ले सकते हो. मुझे वो थोड़ा कॉस्टली लगा इसलिए मैंने नहीं लिए. हाँ, ये ट्रे मुझे 100 rupees में मिल गई थी, वो भी बार्गेन करने के बाद. ये जो मेन रोड वाला एरिया है पूरा, यहाँ पर आपको मोस्टली सिरेमिक ही मिलेगा, और बहुत कम शॉप्स हैं जो कुछ ऐसे टाइप के फर्नीचर्स दे रहे हैं या फिर कुछ डेकोरेटिव स्टफ़ है यहाँ पर, या फिर ये टेबल्स और स्टूल्स वगैरह हैं. बाकी का फर्नीचर आपके लिए आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ वॉक करके जाना पड़ेगा. मुझे ये प्लेट्स चाहिए थी जो मैंने किसी की वीडियो में देखा था, उन्होंने बहुत कम प्राइस में ली थी, बट इतनी कम प्राइस में तो मुझे यहाँ नहीं मिला. मैंने ऑलमोस्ट सारे शॉप्स पे पूछ लिया था, बहुत लोगों ने भगा भी दिया था, और फिर किसी से बहुत ज़्यादा बार्गेन करने के बाद मैंने वो अराउंड 900 में, और हाँ या अराउंड 900 में शायद 6 pieces लिए थे. यहाँ से मैंने ये बैग लिया था, मैंने नहीं, बहन ने लिया था फॉर 300 rupees. इन्होंने शायद 600 और समथिंग कुछ लगाया होगा, 300 से नीचे वो जा नहीं रहे थे. ये सब चीज़ें मुझे चाहिए नहीं थी इसलिए मैंने इनका प्राइस नहीं पूछा. वहाँ पे बहुत सारी आपको ऐसी टाइप की शॉप्स मिलेंगी जो आपको 50 rupees में पर पीस दे रही होंगी. ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे और मैंने 50 rupees में लिए. ये मैंने 100 rupees का लिया आफ्टर अ लिटिल बार्गेन. What did you say? मैंने इसे बहुत टाइट कर रखा है क्योंकि मैं एक प्लेट गिरा चुकी हूँ. Yeah, she broke a pasta bowl. That was not my fault. वो गलती. Just after buying it, right in front of that shop. बैग नहीं लेकर जाने का सबसे बड़ा नुकसान मुझे हुआ जब मैंने वो पास्ता बॉल्स शॉप से लेकर और वहीं पे नीचे गिरा दिए थे, और वो दो उनमें से एक टूट गया था. सो दिस वॉज द एरिया आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कि आपको अंदर काफ़ी चल के जाना पड़ेगा फॉर फर्नीचर स्टफ और शीशे वाला स्टफ. उस दिन जिस दिन हम गए थे तब इतना ओपन नहीं था, मतलब बाहर ये फर्नीचर की शॉप्स थी, बट फॉर मिरर्स और जो अदर डेकोरेटिव स्टफ थे, मतलब जो अंदर की मेन शॉप्स होती थी, वो इतनी ज़्यादा ओपन नहीं थी उस दिन. ये सारा फर्नीचर रजवाड़ा फीलिंग देता है, और ये सारा सामान ऐसे टाइप का फर्नीचर राजस्थान में आपको देखने को आराम से मिल जाएगा. ये सब फर्नीचर्स बहुत एंटीक वाइब देते हैं और ये सब मुझे बहुत पसंद है, बट यहाँ पे इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी.
मे बी आप लोगों के लिए प्राइस कम होगी, बट फॉर मी इट वॉज थोड़ी सी ज़्यादा। ये दीदी ने थोड़ी सी बार्गेन में मुझे 400 में दे दिए थे, उन्होंने 800 बोले थे। मिरर्स के लिए वो लोग विदाउट मिरर ओनली फ्रेम का प्राइस ही 2500 to 3000 बोल रहे थे। छोटे मिरर्स थे उनका प्राइस विद मिरर 2500 अराउंड था, जो मुझे कंपैरेटिवली महंगा लगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। और मैं बंजारा मार्केट फिर से जाऊंगी, इस बार सेक्टर 56 नहीं किसी और में जाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।